शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो काला करवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? लो कर दिया काला। मिस्टर रॉकी, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या देख रहे हो? लेके जाओ इस क्रिमिनल को। आज तुम्हें हमारा असली रूप और रुतबा दोनों दिखाना चाहिए। हमने जो धीरेन्द्र विजय सिंह के नाम पर हवेली के कागजात बनाए हैं वो लेकर आओ। वो अम्मा क्या है कि वो पेपर से ना कमरे में नहीं मिला। इस रंगमंच पर नाटक का अद्भुत हिस्सा यानी कि इसका क्लाइमैक्स खेला जाए। खड़े क्या हो, चलो। भवानी जी, मेरी आरजू है कि आप उस डाइनिंग टेबल के पास जाकर वेट कीजिए। और आप दोनों दिल थाम कर इंतजार कीजिए, क्योंकि इस ड्रामे का बहुत ही दिलचस्प क्लाइमैक्स होने वाला है। बस कुछ ही समय, आइए। कहीं आप दोनों ये पेपर्स तो नहीं ढूंढ रहे थे? मेनका, पेपर तो मिल गए। अम्मा, यही पेपर्स है, मिल गए। अरे अब किस बात की देरी है भवानी जी? लगाइए कॉल धीरेन्द्र विजय सिंह को, उनसे पैसे मंगवाइए और फेंक कर मारिए मेरे मुंह पर, और चलता कीजिए मुझे इस हवेली से। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर हवेली मेरे नाम पर गिरवी है तो धीरेन्द्र विजय सिंह आपको पैसे क्यों देंगे? ये क्या मजाक है? मजाक तो आपके साथ हुआ है भवानी जी। आपके सुपुत्र भानु प्रताप सिंह ने हवेली के पेपर्स मेरे नाम पर किए। ये क्या है भानु? हमें जवाब दो भानु। जब पेपर्स हमने तुम्हें धीरेन्द्र विजय सिंह के नाम पर बनवाने के लिए कहे थे तो इस पर इसका नाम कैसे आया? और उस पर हमारे सिग्नेचर और काव्या का अंगूठा कहां से आ गया? मैंने कब अंगूठा लगाया? जवाब दो भानु, नहीं तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। अम्मा, अम्मा आपको ना सब सच सच बता देते। चश्मा कैसे टूट गया? अम्मा जी, यहाँ पर साइन कर दीजिए।
तुम्हारे जैसा आस्तीन का सांप हमने दुनिया में नहीं देखा। घिन आ रही है हमें, घिन आ रही है हमें हमारे ऊपर। हमने तुम्हारे जैसे सांप को अपनी कोख से जन्म दिया। रुकिए भवानी जी, कहां जा रही हैं आप? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और अपना पूरा गुस्सा जाया मत कीजिए, थोड़ा बचा कर रखिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और आप बाकी की बची हुई पिक्चर जब देखेंगी ना, तो आपका गुस्सा सातवें आसमान पर चले जाए। इससे थोड़ा पानी पीजिए और शांत हो जाइए। नहीं, ओके। तो अब शुरू होता है पिक्चर का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब तक तो आपने सिर्फ सांप की करतूतें सुनी, पर अब बारी है सपोली। आपके सुपुत्र भानु प्रताप सिंह ने हवेली के पेपर्स मेरे नाम पर करके आपको धोखा दिया। और आपका पोता रॉकी, वो भी कुछ कम नहीं निकला। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जो आपके साथ हुआ है। पहली बार किसी सपोले ने सांप को डसा। इसके पहले कि आप धोखे से भवानी जी और काव्या जी के सिग्नेचर्स लेकर मेरे साथ डील करते, उसके पहले आपके सुपुत्र रॉकी ने वो पेपर चुरा लिए और मेरे साथ डील कर। अरे अरे भवानी जी, संभालिए अपने आप को, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। क्या आप गेस कर सकती है कि आपके प्रिय पोते रॉकी ने मुझसे इस हवेली के बदले क्या मांगा? पैसे की भूख नहीं है, ऐसा उसने खुद कहा था। रॉकी ने मुझसे इस हवेली के बदले काव्या को मांगा। मैं जानता था कि आप सभी को यह बात हजम नहीं होगी, इसलिए
चलिए जाकर अपनी उम्र जी को मनाइए। कितने घटिया और नीच आदमी हो तुम। ये हवेली के पेपर्स के लिए, इस डील को जीतने के लिए तुमने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। कव्या संभालो अपने आप को, ऐसे आदमी के मुंह लग के ना अपना ही नुकसान होता है। 400 करोड़ की हवेली को जीतने के लिए तुमने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। कल को कोई तुम्हें 4000 करोड़ देगा तो तुम तो अपनी मम्मी को भी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं, वरना क्या कर लोगे? अपनी नज़्वा को काबू में रखो। और अगर इतना गुस्सा आ रहा है ना तो उस पर जाकर गुस्सा निकालो जिस पर निकालना चाहिए, जिसने तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहता है। मत पहला आरोप कुणाल गायत्री सिंह यानी कि मुझे मारने की धमकी देने का, दूसरा आरोप एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का, और तीसरा आरोप कुणाल गायत्री सिंह यानी कि मुझे ब्लैकमेल करने का आरोप। कुणाल कुणाल कुणाल, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा कुणाल। चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी आवाज सुन ली गई है, कोई तुमसे मिलने आया है। इंस्पेक्टर, हाँ मैं जानता था कि आज नहीं तो कल दादी माँ मेरी जमानत जरूर करा देंगी। आखिर भवानी प्रताप सिंह की हवेली का मैं एक लौता वारिस दूँ। अरे तुम तो चौंक गए, क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं रॉकी जेल से बाहर आ गया तो तुम्हारी वर्दी ना उतरवा दे। चलो माफ किया, तुम्हारी पहली गलती समझ के मैंने तुम्हें माफ किया। बोलो ओमनेट। देखो तो कौन मिलने आया मुझसे जेल में। मैं जानता था काव्या तुम एक न एक दिन मेरे पास खिंची चली आओगी। जिसको रॉकी पापा छू लेता है ना, रॉकी के बिना रह नहीं सकती। जो काम अधूरा रह गया था आज मैं उसे पूरा कर दूंगा। सही कहा तुमने, जो काम अधूरा रह गया था मैं भी उसे पूरा करने आई हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? चुपचाप खड़े रहो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से खातिरदारी हो रही है। ओके सर। तुम्हारे एक एक थप्पड़ का हिसाब लूंगा मैं काव्या। हिसाब तो तब लोगे ना जब हिसाब लेने लायक रहोगे। तुम्हारे ये आंखों में डर देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर मैं अपना हिसाब लेने पर आऊं ना तो जिंदा नहीं रहोगे तुम। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारे जैसे पापी और दरिंदे को हर एक दिन तिल तिल कर मरना होगा। तुम पूरी जिंदगी भर इसी जेल में सड़ोगे। बस काव्या, रहने दो। ये किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। ये जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे ही सड़ना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज के बाद ये बाहर की खुली हवा में कभी सांस तक नहीं ले पाएगा। इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है? ये इंस्पेक्टर, तुम्हें कुणाल ने कितने पैसे दिए? रॉकी तुम उसका डबल देगा। खोलो से, हाँ खोलो। समझ नहीं आ रही क्या? इस शतरंज की चाल की तरह अब इस घर की दोनों रानियां भी आमने सामने खड़ी। अब इन दोनों की अगली चाल क्या होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज उस रॉकी को तुमने अच्छा सबक सिखाया। अरे कहां जा रही हो काव्या? आयुष्मान, सुबह हो चुकी है, अब मुझे कोई खतरा नहीं। तुम अपने घर जाओ और आराम करो। अरे आज मुझे किसी और का हिसाब बराबर करना है। आज मैं कोई उधार नहीं छोड़ूंगी। काव्या मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम्हें हवेली छोड़ने के बाद मैं घर चला जाऊंगा। तुम अपने घर जाओ आयुष्मान, चलो भैया। जी अंकल, रात से सुबह हो गई, मेरे ही बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया। क्या आप गेस कर सकती हैं कि आपके प्रिय पोते रॉकी ने मुझसे इस हवेली के बदले क्या मांगा? रॉकी ने मुझसे इस हवेली के बदले काव्या को मांगा। बुढ़िया रात भर मंडरा रही थी। क्या देख रहे हैं? अरे जाइए जाइए। अम्मा अम्मा, मैं माफ कर दो प्लीज, मैं माफ कर दो अम्मा। आप जो भी सजा देंगे आप भुगतने के लिए तैयार हैं, प्लीज अम्मा माफ कर दीजिए। अम्मा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। मर चुके हो तुम हमारे लिए। इस हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहां से। अम्मा, अपने बेटे को माफ कर दो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं अम्मा। एक सिर्फ एक मौका दो सुधरने का। हाँ माँ जी, माना कि इनकी गलती माफी के लायक नहीं है, पर आपके बेटे होने के नाते आप इन्हें एक मौका तो दे सकती है ना। प्लीज इन्हें एक मौका दे दीजिए। जब फल सड़ के गिर जाता है तो वो कभी भी दोबारा पेड़ से जुड़ नहीं सकता। प्लीज निकलो हवेली से। चलो अम्मा जी, चलो। अच्छा है, रानी ने रानी की तरह फैसला लिया, दादी या मां बनकर। ना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अकलमंद निकली। नाइस।
अम्मा जी, अम्मा जी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। मैं ऐसा मत कीजिए, इन्हें घर से मत निकालिए। अम्मा जी अगर आप इन्हें घर से निकाल देंगे तो आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी अम्मा जी। निकलो भानु बा। तुम जैसे सांपों को पालने से तो अच्छा है कि हम अकेले रह जाएं। अम्मा जी, तुम कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। निकल जाओ। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज अम्मा दरवाजा खोलो। चलिए। दादी मैं आपको याद है उस दिन घर में पूजा थी और आप सब लोग वो 10वां ज्वेलरी बॉक्स ढूंढ रहे थे। आपको मालूम वो ज्वेलरी बॉक्स कहाँ था? वो ज्वेलरी बॉक्स काव्या भाभी के कमरे में था। चुराया था इन्होंने उसे। एक रात काव्या भाभी ने मुझे किचन में बुलाया और इन्होंने मुझे साफ साफ धमकाया कि अगर मैंने वो ज्वेलरी बॉक्स वाली बात आप में से किसी को भी बताई तो वो मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसा देंगी। अपनी दबी हुई इच्छाओं को तो संभाल नहीं पाई, इसीलिए मेरे जवान और कुंवारे बेटे पर टूट पड़ी। आज तू अपने आशिक के साथ में गुच्छरे उड़ाती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई हो। आज शायद आपने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है दादी, इसीलिए आज आप रॉकी के साथ खड़ी हैं। कल जब ये पर्दा उठेगा ना, तब आपको आपकी गलती का एहसास होगा। जो पाप तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं, मगर हो सके तो माफ कर देना बच्चे। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपकी शक्ल से कि रॉकी के बाद आपके गुस्से का शिकार मैं होने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट मांग लीजिए। इसे पीजिए, राउंड टू के पहले थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद आराम से बैठकर अपना गुस्सा निकाल लीजिए। बेईमान आदमी और उसकी दी हुई हर एक चीज से मुझे सख्त नफरत है। आपकी इस खास टिप्पणी का कारण जान सकते हैं? अगर तुम्हारा कोई ईमान होता तो मुझसे डील करने के बाद तुम रॉकी के साथ डील नहीं करते। ईमानदारी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, कभी अपने गिरेबान में झांक कर
क्या कह रहे? पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। जो खुद बेईमान है वो मुझे ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा सकती। क्या मैंने कौन सी बेईमानी की? तुमने मुझसे डील की थी कि अगले 15 दिनों तक तुम्हारा दिया हुआ हर एक टास्क पूरा करूंगी तो तुम ये हवेली छोड़कर चले जाओगी। आज 13वां दिन है, तुम्हारा दिया हुआ हर एक टास्क मैंने पूरा किया, तुमने जो जो कहा मैंने वो किया, पर बदले में मुझे क्या मिला? मेरी ही पीठ पीछे तुमने उस रॉकी के साथ डील कर ली? मेरे ईमानदारी का क्या फायदा हुआ? किसी ने सही कहा है, हर ईमानदारी का एक तोड़ दरवाजा होता है। एंड इन योर केस हमारी डील उसी दिन कैंसिल हो गई थी जिस दिन आपने अपने कमरे में बैठकर करण की 13वीं की थी। तो मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या आपने सारे टास्क ईमानदारी से निभाए? क्यों आप अपने बेड पर नहीं सोए? क्यों दादी के आटे में पानी डालते समय आपके हाथ कांपने लगे? क्यों आपने करण की फोटोज छुपाई? एक काम कीजिए काव्या जी, बादाम खाइए बादाम, ताकि आपकी की हुई हर वो बेईमानियां आपको याद रहेंगी। और एक बात साफ साफ समझ लीजिए, इस हवेली में मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। सिर्फ मेरी दोनों आंखें इस हवेली पर नजर नहीं रखती है, बल्कि हर चप्पे चप्पे में मैंने अपनी आंखें लगा रखी है, हर कोने में CCTV लगा रखे है। कब कौन कहां क्या कर रहा होता है वो मेरी नजरों से छुपा नहीं होता। यकीन नहीं हो रहा है? और रही बात हमारे लिए, तो डील के मुताबिक इस हवेली को पाने का सपना भी आप हो जाए। जाइए अपने कमरे में जाकर चद्दर तान के सो जाइए, क्योंकि आज से इस हवेली का मालिक मैं हूं। क्या हुआ, खड़ी क्यों है आप? जाइए, कहना चाहती हैं आप, क्या कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। क्या? तुमसे इस हवेली को वापस पाने का एक और मौका, और इस बार कोई बेईमानी नहीं होगी, ना तुम्हारे तरफ से और ना मेरे तरफ से। Are you sure? अब ये मौका मैं तुम्हें दूं क्यों? खिलाड़ी खेल कर देगा, दूसरी पारी मजा आएगा। वैसे फालतू की बहस में क्या रखा है? मैं जानती हूं कि तुम शायद हार भी मान जाओ, पर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं। इस हवेली को वापस पाने के लिए तुम मुझे जो टास्क दोगे वो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, और मुझे मेरी हवेली वापस जीतने का एक आखिरी मौका दे दो।
मेरा जवाब अभी भी ना हो तो मैं यहां तब तक बैठी रहूंगी जब तक तुम्हारी ना हां में ना बदल जाए। ऐसे ऐसे जुनूनी लोग मुझे बहुत पसंद है। ऐसे लोगों को हराकर जीतने का मजा ही अलग होता है। ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। तो इस हवेली को पाने के लिए मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आपको करना पड़ेगा। हां मैं करूंगी। सिंदूर की डिब्बी में से चुटकी भर सिंदूर अपनी सोनी मांग में भर दीजिए। क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आप कोई भी टास्क करने से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे टेंशन मत लीजिए, मैं ये टास्क करने के लिए आप पर दबाव नहीं डालूंगा। अगर आपको ये टास्क बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप इसे मना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मना करने का मतलब इस हवेली को भूल जाओ। चट मंगनी पट गया। 3 दिन सिर्फ 12 घंटे आपके पास मुझे अपना डिसीजन बताने, नहीं तो कल सुबह मुझे आपकी और भवानी जी की विदाई करनी हो। कावे जी जा सकते हैं। इस हवेली में मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। सिर्फ मेरी दोनों आंखें इस हवेली पर नजर नहीं रखती है, हर कोने में सीसीटीवी लगा रखे हैं। कब कौन कहां क्या कर रहा होता है वो मेरी नजरों से छुपा नहीं होता। हे महादेव, दूसरों के कमरे में झांकने का बहुत शौक है ना तुम, अब ये शौक पूरा करो। मैंने इस बार काव्या जी को शादी करके इस हवेली को बचाने का एक स्वर्णिम मौका दिया, और इस फैसले के लिए काव्या जी के पास है पूरे 12 घंटे।
अगर तुमने शादी के लिए ना कह दी तो अपने करण की ये आखिरी निशानी इस हवेली को कैसे बचाओगी? इस हवेली को बचाने का प्लान है मेरे पास। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।